तो ज्ञान और वैराग्य रहेंगे भी और सदा प्रसन्न रहेंगे। कभी कभी ज्ञानी वैरागी बड़े क्रोध में रहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के उदाहरण आपको पुराणों में मिल जाएंगे, थोड़ी सी घटना घट गई श्राप दे दिया, क्रोध आया श्राप दे दिया। अब जैसे महर्षि दुर्वासा हैं तो उद्यत रहते हैं श्राप देने को, कहीं ना कहीं भीतर कुछ असहज है ना, क्रोध क्यों आता है? जिसका मन स्वस्थ है, शांत है, प्रसन्न है, उसको तो क्रोध नहीं आ सकता। यद्यपि मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं, विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि ऋषि मुनियों के क्रोध से भी जीव का कल्याण ही होता है, पर मन स्वस्थ है, प्रसन्न है, फिर क्रोध नहीं आता है। दुर्वासा को क्रोध आया, पर महाराज अंबरीश शांत है, शांत, स्वस्थ, प्रसन्न, एक रस, इसी को कहते हैं आसन का पक्का। वो प्रभु के चरणों में जहां बैठे हैं ना, वो वहां से हिले नहीं, वहीं पर बैठे हैं वो। किसी भी बाहरी परिस्थिति ने उनके भीतर किसी प्रकार का कोई क्षोभ, कोई हलचल पैदा नहीं की, उसी आनंद में मग्न है। इसे मैं कह रहा था, ये सामर्थ्य है, इसको शक्ति कहना चाहिए। मनुष्य की शक्ति ये है, स्थिरता, कोई हिला ना सके, बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता आपके सन्मुख न होकर लौट जाए। और आप कहेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है? अवश्य हो सकता है, अवश्य हो सकता है। अभ्यास इंतु कौनते वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास करिए। अभ्यास क्या करना है? एक भाव का अभ्यास करना है, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं। एक बार मेरी बात मानकर बस इस भाव का आप कुछ काल तक अभ्यास करके देखिए, आप देखना भीतर बाहर प्रकृति बदल जाएगी, दृश्य बदल जाएगा। कल्पना से अतीत शक्ति है इस एक भाव में कि मैं प्रभु का सेवक हूं। और ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति, और जिस दिन प्रभु की ओर से इस भाव की स्वीकृति हो जाती है, जिस दिन प्रभु भी स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद तो सीधा सीधा राजमार्ग है जिस पर सब भक्त चले हैं, आनंद में मग्न, हाथ में करताल लेकर, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, आप जपे औरा नाम जपावे। मंदिर में नहीं बैठने दिया नामदेव जी को, पुजारियों ने मंदिर में नहीं बैठने दिया, बैठने क्या नहीं दिया, जूता और मारा। अच्छा, नामदेव जी की फेंट में जूता बंधा था, वो फेंट में जूता बंधा था, वो तो अपने भाव में मगन रहते थे, उनका उनका देहाध्यास तो लगभग समाप्त हो चुका था, वो तो अपने भाव में मगन मंदिर में पहुंच गए। पंडे पुजारियों ने देखा, उसी जूते से उनको मार लगाई, मंदिर से बाहर निकाल दिया। नामदेव जी आसन से नहीं हिले, वो वस्तुतः मंदिर में जहां बैठते थे ना, वो उनका आसन नहीं था, भीतर जिस भाव में वो बैठे हैं अपने विट्ठल के चरणों में, वो उनका आसन है, वहां से नामदेव जी नहीं हिले। उन्होंने कहा, प्रभु आप वहां नहीं बैठने देंगे तो हम यहां लो, यहां पर आकर बैठ जाएंगे। मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए। जू जू नामा हर गुण उचरे भगत जना को देहुरा। अच्छा, जैसे रोज मीठा खाते खाते कभी कभी मीठे से उपरती हो जाती है ना, नामदेव जी रोज गुण गा रहे हैं विट्ठल का, अपने पंडरीनाथ का, रोज एक से एक सुंदर भावों में नामदेव जी गुण गाते हैं। ठाकुर जी ने कहा, भाई बहुत दिन हुए मीठा खाते, आज थोड़ा तीखा खाया जाए। अब ये तो भक्त और भगवान के बीच की बात है ना, संसार क्या जाने। ठाकुर जी ने कहा कि आज थोड़ा तीखा खाएंगे, तो नामदेव जी की थोड़ी ऐसी व्यवस्था करा के पीछे बैठाया। नामदेव जी ने उस दिन उल्हाना दिया। नामदेव जी ने कहा, आज कहां गया है भुजाओं का बल, तू ना विसार, तू ना विसार, तू ना विसारे रामिया। बोले प्रभु मेरा क्या दोष है, अगर अगर हीन जाति में मेरा जन्म हुआ है तो मेरा क्या दोष है इसमें।
रामदेव जी ने अपने मुख से कहा, हीनड़ी जात मेरी जादव राया, चीपे के जन्म काहे को आया। कहा आज कहां गया है भुजाओं का बल? पंडरीनाथ का अगर आप में से किसी ने दर्शन किया ना तो ऐसे खड़े हैं प्रभु, अरे आज कहां गया ये दोनों भुजाओं का बल? और फिर नामदेव जी ने कहा, अगर मरने के पीछे मुझे मुक्ति मिलेगी बोले फिर आपका क्या यश है? मुए हुए जो मुक्ति देओगे, तेरी मुक्ति न जाने कोई। किसी को क्या पता हमको क्या मिला, आपके हमारे संबंध का परिचय तो दीजिए इनको। और ठाकुर जी यही सुनना चाहते थे। और जू जू ना जू जू नामा हर गुण उचरे, भगत जना को देहुरा फिरे। तो यहां ले आएगी भक्ति कि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। और कभी आपसे मैंने कहा था कि भक्त का कार्य प्रभु किसी से कराते नहीं, स्वयं करते हैं। ये जो नामा की छान छाई, द्वारिकाधीश ने स्वयं आकर ये कार्य किया। प्रेम के बस अर्जुन रथ हां क्यों भूल गए ठकुराई, हरे कृष्णा भूल गए राज सुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे झूठ उठाई, हरे कृष्णा तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई। और मैं कहता हूं भाई, इस भारत भूमि पर जन्म लेकर कभी जीवन में कोई ऐसा अवसर नहीं आया, कभी प्रभु की ऐसी कृपा का जिसने जीवन में अनुभव नहीं किया, फिर रसखान करे सोई है गमार, वो मूर्ख जानना चाहिए उसको। तो सूत जी ने स्पष्ट कर दिया, भाई सब ओर से समेट लीजिए अपना मन, क्योंकि जो कथा आपको सुनाई जाएगी वो कथा साधन नहीं है, वो कथा सब साधनों की सिद्धि है। अपने हृदय का पात्र तैयार करके उस कथा के अमृत का पान करना। फिर आगे सूत जी ने एक छोटी सी और बात कह दी, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसा विश्वत्सेन कथा सुयः, नोत्पाद्येद्यदिरतिं श्रम एव हि केवलम्। बोले धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि भगवान की कथाओं के प्रति रुचि, लालसा, अनुराग, भक्ति का उदय नहीं हुआ तो कहा श्रम एव हि केवलम्। बोले केवल श्रम है, परिश्रम किया है। अब कथा में प्रीति, कथा में अनुराग का अर्थ कि एक तो श्रवण करते करते कभी अघाए नहीं, एक तो श्रवण करते करते कभी अघाए नहीं, और दूसरा नित्य नवीन रस की, नित्य नवीन पोषण की अनुभूति हो। कभी आपको मैंने एक उदाहरण दिया था कि भाई देखने में तो दूध सफेद ही है, उसका स्वाद भी वही है, पर रोज दूध पिया जाता है तो रोज पोषण तो नवीन प्राप्त होता है ना उससे। दाल रोटी तो वही है भाई, रोज ही खाता है आदमी, सुबह शाम खाता है, अब है तो दाल रोटी, पर शरीर के निर्वाह के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वो तो उसी से प्राप्त हो रही है ना, नित्य नित्य ग्रहण करना पड़ता है ना, तभी वो शक्ति मिलती है। ऐसे ही जो भाव देह है
जिससे भगवान का भजन किया जाएगा, जिससे भगवान के निकट जाया जाएगा, जिससे भगवान की सेवा की जाएगी, उस भाव देह का पोषण कहां से प्राप्त होगा? उसके लिए भी तो कोई आहार चाहिए ना, तो उसके लिए आहार है। पहली बात तो कथा कभी पुरानी ना लगे। कभी भी अगर किसी को ये लगे भाई ये तो हमने पहले भी सुना है, तो फिर रस विशेष तिन जाना ना। ये जो रस विशेष कहा है ना, इसका अर्थ क्या है? आपको जब काक बसुंडी गरुड़ जी का संवाद जब हम चर्चा करें तभी मैंने एक संकेत किया था, रस विशेष अर्थात नहीं, रस विशेष कहा कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नाही। देखो जो यहां से कहा जाता है, भगवान की कथा तो भाई मीठी ही मीठी है, कौआ कहे तो भी मीठी है। माने किसी के पास कंठ का स्वर हो ना हो, किसी के पास स्वर संगीत का ज्ञान हो ना हो, भगवान की कथा सुना रहा है तो वो अच्छी लगेगी, मीठी लगेगी। पर एक है रस विशेष, एक है कान को अच्छा लगना, एक है मन को अच्छा लगना। एक शब्द है जो कान को अच्छा लगता है, कर्ण प्रिय है। एक है जो मधुर है, मन को भी अच्छा लग रहा है। पर एक है जिसका संकेत श्री सूत जी करे, यात्मा संप्रसीदति, जो आत्मा को प्रसन्न करने वाला है। कथा में ये रस विशेष है, ये आत्मा को तृप्त करता है। कहने का तात्पर्य ये कि ये जीवात्मा का आहार है, ये जीवात्मा का श्रृंगार है, आत्म तृप्ति है। बताओ 28 कल्प से श्री काक बसुंडी कथा सुना रहे हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, वो सुना रहे हैं, श्रोता लोग सुन रहे हैं। ये है रस विशेष की अनुभूति। कैसे होती है? जो श्रद्धा और विश्वास श्रवण के प्रति अपेक्षित है उसका निवेदन करने से शनै शनै ये आत्म तृप्ति, ये आत्म तुष्टि, ये आत्म प्रसाद अवश्य प्राप्त होता है। तभी श्री सेवक जी ने कहा कि श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। सेवक जी कह रहे वही चतुर श्रोता है जो इस विशेष रस को प्राप्त कर ले कथा सुन के, अपना मनोरंजन करके उठ के नहीं चल दे। महाराज जी, जब पहली बार यहां हमने पहली बार जब हिताश्रम में चर्चा हुई तो मुझे याद है श्री महाप्रभु जी का चरित्र हमने कहा था, हितोत्सव पर ही कथा हुई थी। अब बंबई के एक परिवार ने उस आयोजन में कुछ सहयोग किया था। अब उस परिवार के लोग भी आए थे, अब उस परिवार के 8-10 लोग हमारे कान में बात पड़ गई। 8-10 लोग वो कह रहे कोई आनंद नहीं आया। अच्छा, तब हम प्रसाद भी नहीं बंटवाते थे। खैर ये तो दूसरा कारण था, फिर कोई आनंद नहीं आया। अब मैं सुन रहा था यहीं पर, उनको पता नहीं, 8-10 लोग आपस में बैठे बात कर रहे हैं, कोई आनंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? फिर ना कुछ चाय पानी का इंतजाम है, ये भी नहीं है। और बोले कि कोई झांकी भी नहीं निकली कथा में। आजकल होता है ना, आप देखते होंगे, कोई झांकी भी नहीं निकली कथा में। और बोले कि अब अपनी भाषा में बात कर रहे थे, और बोले महाराज है ना, ये भी आग का गोला है, ये और है साथ में। तो उनको तो लगा कि हमारा तो सब किया कराया व्यर्थ हो गया, सब किया कराया बेकार, किस लिए आए बंबई से यहां पर, ना कुछ चाय पानी हुआ, ना कुछ मान सम्मान हुआ हमारा, ना हमको आगे बैठने को मिला, ना कुछ देखने को मिला, किस लिए आए वहां से। तो इसके लिए भी आते हैं आने वाले, और ये परोसा भी जा रहा है, ये परोसा भी जा रहा है। मैं निसंकोच ये बात कह रहा हूं, व्यास पीठ की ओट में यही यही परोसा भी जा रहा है। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अध्याय के विश्राम में क्या लिखा है, इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्याम संहितायाम, ये परमहंसों की संहिता है,
जीवन मुक्त महापुरुषों की चर्चा का विषय है। कैसा स्मरण श्री सुखदेव जी का सूत जी ने किया, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो। कैसे जीवन मुक्त श्री सुखदेव जी हैं, सर्वभूतादिवास हो गए हैं वो। क्यों? क्योंकि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। उन सुखदेव जी ने कही है, गर्भ में ही जिनको भगवान का दर्शन हो गया है, जीव गर्भ में आता है कि संसार में आकर भगवत भजन करके भगवत दर्शन प्राप्त करे, वहां परीक्षित जी को गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया है, ऐसे सिद्ध श्रोता हैं, ये उनकी चर्चा का विषय है। आगे आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कौन कह रहा है कथा, कौन सुन रहा है। अनादिकाल से सनकादिक इसी कथा का आश्रय लेकर भगवान के चरण कमलों के चंचरीक बने हुए हैं, ये वो कथा है, ये वो वार्ता है। तो आत्म प्रसाद जो है, चित्त शुद्धि जो है, वो हमारा लक्ष्य हो। इसीलिए सेवक जी ने कहा, भाई सुजान वही है, सुजान माने जो चतुर हो। बोले श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रति करे, वो आत्म प्रसाद प्राप्त करे। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा समय यहां आने से पहले और थोड़ा सा समय यहां से जाने के बाद, भोजन ग्रहण करने के लिए थोड़ा सा समय भोजन पकाने को देना पड़ता है और थोड़ा सा समय भोजन पचाने को। तो ऐसे थोड़ा सा समय यहां आने से पहले और थोड़ा सा समय यहां से जाने के बाद, यहां आने से पहले तो कृतज्ञता हो, धन्यवाद हो, अपने हृदय की भूमि को मक्खन के जैसा बना ले हम। सदा सदा के लिए तो राग द्वेष से मुक्त नहीं हो सकते, थोड़ी देर के लिए ही, भाई अब इतने से समय के लिए प्रयास करेंगे, ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है, हम प्रभु के हैं प्रभु हमारे हैं, इसी भाव से जाएंगे, इसी भाव से बैठेंगे, इसी भाव से सुनेंगे, और फिर यहां से सुनकर चले जाने के बाद क्षण दो क्षण का विचार कि क्या जो मैं श्रवण करके आया हूं, क्या उससे मेरी आत्मा प्रसन्न है, या मैं आत्म प्रसाद की ओर बढ़ रहा हूं। इतना तो भाई, ये जो अवसर, ये जो प्रसाद प्रभु हम दे रहे हैं, इतना तो इसके प्रति हमारा विनम्र कर्तव्य है। इट्स हम्बल ड्यूटी, हमारा विनम्र कर्तव्य है इसके प्रति। बात ये नहीं है मैं कह रहा हूं, बात यह है कि जो कहा जा रहा है ये उसकी महिमा है। आपको मुझे अवसर मिल रहा है। मैं आज भी दिन में महाराज जी से 2 मिनट बात कर रहा था तो मैं यही कह रहा था, हम तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे बाहर कहीं ऐसी चर्चा करने की, ऐसा वातावरण ही कभी उपलब्ध नहीं होता था, ऐसा अवसर कभी आया ही नहीं। जैसे सेवक जी कहते हैं ना, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा, ऐसे ही हमको तो सत्संग का फल ये सत्संग मिला है। वो जो यहां वहां हमने प्रयास किया प्रभु की कृपा से, उसका फल ये सत्संग हमको मिला है। सत्संग का फल सत्संग मिल रहा है। हाँ, पहले सत्संग में प्रयास था, अब सत्संग में प्रभु का प्रसाद है। कभी कभी तो मेरा भी मन करता है, जब मैं श्री जी की कृपा का विचार करता हूं तो कभी कभी तो मेरा भी मन करता है और दर्पण के सामने खड़ा होकर मैं भी कह लेता हूं, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। चलो गाओ। भाग खुल्या मारा साध संगत सो सांवरिया के बट की, भाग खुल्या मारा साध संगत सो सांवरिया के बट की, भाग खुल्या मारा साध संगत सो सांवरिया के बट की, भाग खुल्या मारा साध संगत सो सांवरिया के बट की। नित उठ हरि जीरा मंदिर, हरि जीरा मंदिर जास्या, हरि जीरा मंदिर जास्या,
क्यों हरी जी सू तब ना रहूंगी मैं अटके मेरो मन लाग्यो हरी जी सू अब ना रहूंगी मैं अटके मेरो मन लाग्यो हरी जी सू तब ना रहूंगी मैं अटके चूड़ो तिलक दोबड़ो माला सील वरत सिणगारा चूड़ो तिलक दोबड़ो माला सील वरत सिणगारा और वरत रत मोह नहीं भावे 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 ये गुरु ज्ञान हमारा मेरो मन लाग्यो हरि जी सो ना रहूंगी मैं अटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूंगी मैं अटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूंगी मैं अटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूंगी मैं अटकी गुरु मिल्या रे दास जी दीनी ज्ञान की गुटकी गुरु मिल्या रे दास जी दीनी ज्ञान की गुटकी गुरु मिल्या रे दास जी दीनी ज्ञान की गुटकी गुरु मिल्या रे दास जी दीनी ज्ञान की गुटकी हीरा के प्रभु गिरधर नागर हीरा के इसी को कहते हैं आत्म प्रसाद जो इस समय सत्संग की कृपा से आपका मेरा स्पर्श कर रहा है ना यही आत्म प्रसाद है यही आत्मा का प्रसन्न होना है जिसको प्राप्त करके मीरा कहती है बिन करताल पखावज बाजे रोम रोम रणकार रे जब रोम रोम नाचता है किसी एक अनिर्वचनीय सुख में आनंद में भर कर इसलिए मैंने बहुत संभल कर कहा कभी कभी इच्छा होती अब मेरी भी और मैं कह भी लेता हूं मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर अमूल्य वस्तु भी है इसका पता तो इन संतों की वाणी नहीं दिया है ना इन संतों ने ही तो सिखाया कि रे प्रभु से मांगने की वस्तु तो ये है मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 तभी तो ध्रुवदास जी ने कहा जो सुख दुख लगी रहे देह सो मिट जाई और लोक बढ़ाई सूरदास जी कह रहे हैं निपट निगोड़ो दास तिहारो प्रभु अंत समय सुध लीजिए प्रभु ये जीवन का सुख दुख ये तो आता जाता रहेगा इसके लिए आप कुछ न करना अंत समय सुध लेना ताकि हम जन्म मरण से मुक्त हो जाए मीरा के प्रभु गिरधर नागर जन्म मरण सो छुटकी मेरो मन
किसे कहा है रस विशेष, और आपको एक भीतर की बात और बता देता हूं। यहां तो व्यासपीठ की मर्यादा है ना, तो मुझे उसी मर्यादा का पालन करते हुए हर बात कहनी होती है। और आप अपने हो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि घर में जब ये बात मैं कहता हूं तो नाच नाच के कूद कूद के कहता हूं। मीरा के प्रभु गिरिधर जन्म मरण सो लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूंगी मैं टेकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूंगी मैं टेकी। स्थितः पुंसा विश्वक्सेन कथासुयः। बोले और अगर ये आत्म प्रसाद नहीं मिला, नोत्पाद्येद् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। सूत जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि क्या प्रसाद प्राप्त करने के लिए कथा श्रवण करना। नोत्पाद्येद् यदि रतिं, यदि कथा में रति नहीं हुई, कथा में प्रीति नहीं हुई, पूरे श्रम एव ही केवलम, कथा प्यारी लगे। नारद जी ने अपने 84 भक्ति सूत्रों में कथा के प्रति अनुराग को भी एक भक्ति कहा है। जैसे श्रवण भक्ति है, कीर्तन भक्ति है, ऐसे भगवान की कथा में अनुराग ये भी एक भक्ति है। कथा प्यारी लगे, और इस जीव की श्रीमद् भागवत की घोषणा है, तापत्रय विनाशाय। इस जीव की सारी व्यथा का निवारण भगवान की कथा से ही हो सकता है। इसमें ज्ञान भी है, इसमें वैराग्य भी है, और इसमें सब सुखों की खान भक्ति भी छिपी है। जैसे जैसे बीज में वृक्ष छिपा रहता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा यहां आने से पहले और थोड़ा यहां से जाने के बाद ये कर्तव्य है हमारा, श्रवण के प्रति हमारा कर्तव्य है। और ले जाती है कथा आत्मनिवेदन तक। मैंने कहा ना, प्रभु का स्वरूप जानोगे, प्रभु का स्वरूप देखोगे तो इच्छा होगी ये हमारे हो जाएं। और संतों के मुंह से भगवत चरित्र श्रवण करते करते जब प्रभु का स्वभाव जानोगे तब इच्छा होगी भाई हम इनके हो जाएं, और सब दुख विदा हो जाते हैं। ये भाव मन में आते ही सब दुख विदा हो जाते हैं। दो दिन से हम इसी भाव पर चर्चा कर रहे थे, ये जो प्यास है मार्जन कर देती है। ये जैसे धो मांज कर चमका देते हैं ना आप किसी पात्र को धो मांज कर, ऐसे ये जो प्यास है ये धो मांज कर चमका देती है पात्र को, जिस पात्र में रस ठहरता है। भगवदानंद आप देखो, अभी हमने चार पंक्तियां गाई, मीरा जी की गाई ये चार पंक्तियां हैं। हम मीरा जी को गाते हैं, हम कबीर जी को गाते हैं, हम सूर तुलसी, हम नानक साहब को गाते हैं यहां, और आनंद में भीग जाते हैं, चाहे कुछ क्षणों के लिए सही भीग जाते हैं आनंद में। और कोई बड़भागी हो वो तो भीगा रहता है। कहने का मेरा तात्पर्य है, जब कोई एक जागता है
तो वो अनंत अनंत काल तक जाने कितने सोए हुओं के लिए संभावना बन जाता है। इसलिए कवि आपको मैंने निवेदन किया था, आत्म कल्याण करना ये सृष्टि की सबसे बड़ी सेवा है, ये अस्तित्व की सबसे बड़ी सेवा है, अगर आपने अपना कल्याण किया है। और मुझे तो लगता है भाई, ईमानदारी की बात अगर हम करें तो पहला कर्तव्य है भी यही। पहला कर्तव्य है भी यही, स्वयं का कल्याण किए बिना जो जो उपदेश करने निकलता है, जो लोक हित करने निकलता है, वो अंत में खेद को प्राप्त करता है। और वो खेद किस बात का होता है, ये जीवन रूपी अमूल्य अवसर खो देने का। कल भी आपसे मैं कह रहा था, और कुछ होना हो भाई, अपने प्रति ईमानदार रहना। हम चर्चा कर रहे थे दो दिन पहले कि पहले तो व्यक्ति अपना दोष देख नहीं पाता, देखता है तो स्वीकार नहीं कर पाता, और स्वीकार कर ले तो फिर उसको छिपाता है, उसको धुराता है। हमारे हिस्से ये प्रसाद आया है, हमारा जीवन ऐसा ना रह जाए भाई, फिर क्या कमाया हमने? अगर हमने अपना जीवन नहीं बनाया, ऐसी कृपा प्रभु ने की, हमारा जग जंजाल छुड़ा कर हमको यहां अपने चरणों में लाकर बैठाया, अगर हमारा जीवन भी ऐसा रह जाए, फिर हमने क्या किया, क्या बनाया? कुछ भी हमको यहां मिलता है ना, छोटी सी वस्तु भी कोई आपको देता है, आप उसको धन्यवाद देते हो, ये तो शिष्टाचार है। छोटी सी वस्तु भी कोई आपको दे तो आप धन्यवाद देते हैं, आप कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, प्रभु ने कितना बड़ा प्रसाद आपको मुझे दिया, ये कैसा अवसर आपके मेरे जीवन में आ गया। मैं तो अकेला बैठे बैठे कई बार बहुत देर तक विचार करता हूं, वो कब से भटक रहे थे हम, अब संतों की कृपा से ये सुध आई है। और मैं तो ये भी नहीं कहता कि हमारा कोई पुण्य है, ना ना ना, पुण्य से तो सुख भोग प्राप्त होता है, बस भ्रम भूल में भटकते और उदय हुए जब भाग, और मिला अचानक गुरु मुझे। कितनी सुंदर बात संत कह रहे, मिला अचानक, अचानक, एक क्षण पहले पता नहीं था, अचानक मिला, अचानक गुरु मुझे, और लगी लगन की लाग, कुमति कूप में पतन था और पकड़ निकाला हाथ। इसीलिए इसे अहेतु की कृपा कहा है संतों ने, पता नहीं किस जीव पर किस क्षण प्रभु की इस कृपा का अवतरण हो जाए, उसको संत मिल जाए। उसको कोई 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 जागा हुआ महापुरुष मिल जाए, जिसके चरण जागृत तीर्थ हैं, जिसकी चरण रेणु मस्तक पर चढ़ाने से बुद्धि का भ्रम रूपी रोग दूर होता है, जिसके चरणों की रज से, नेत्र आंज लेने से दृष्टि का दोष दूर होता है। मिला अचानक गुरु मुझे, और ये जो अभी हम गा रहे थे ना, मीरा जी ने कहा कि भाई अब ना रहूंगी अटकी, ये जो अब शब्द कहा है ना, कि बार बार अटके, बार बार भटके, अब ना रहूंगी अटकी। जैसे गिरिराज जी वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, बोले सोई बड़ो सूर, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, समर्थ कौन है, जिसको सुख दुख हिला ना सके वो समर्थ है, यही शक्ति की परिभाषा है, वही शक्तिशाली है जो सुख दुख के इस प्रबल प्रवाह के बीच में स्थिर खड़ा है। बोले वीर कौन है, कह रहे सोई बड़ो सूर और जाके नेह भरपूर, और बस छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। डरना इस बात से, डरना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। अभी तो सूरदास जी ने कहा, बोले प्रभु जीवन तो हमारा निकल जाएगा, प्रारब्ध हम भोग लेंगे, सुख दुख आते जाते रहेंगे, अंत समय सुध लेना प्रभु। ये जो हम जीवन भर आपका गुण गाएं, बोले हमको जीवन में इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, जीवन के अंत समय आप संभाल लेना।
अंत समय सुध लेगा। तो थोड़ा विचार करते करते आगे बढ़ेंगे हम कि भाई कथा का जो प्रसाद है, आत्मा की प्रसन्नता, आत्म तृप्ति, वो हमें लाभ हो रहा है कि नहीं, हमें उस रस विशेष की अनुभूति हो रही है कि नहीं, और यदि नहीं हो रही तो देखना पात्र में कहीं छिद्र होगा, उसको भरने का प्रयास करना। दो बातें श्री सूत जी ने कह दी, एक तो कथा प्राथमिकता हो, ये कोई साधारण साधन नहीं है, इसलिए कथा सुनते सुनते यज्ञ आदि कर लेना, ये बात सूत जी ने ऋषियों से कह दी। और फिर दूसरी बात ये भी बता दी कि कथा का फल क्या है, अगर कथा सुनने के बाद, कथा सुनते सुनते कथा में अनुराग ना बढ़े, कथा श्रवण का लोभ ना बढ़े, लालसा ना बढ़े, तो विश्रम एव ही केवलम, फिर केवल परिश्रम हो रहा है। क्योंकि भाई जब तक श्रोता को लालसा नहीं होगी तब तक वक्ता को आनंद नहीं आएगा कहने का। इसलिए बड़े हृदय से विश्राम के समय में आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को प्रणाम करता हूं मैं, उसी की कृपा से मुझे ये कीर्तन का अवसर मिल रहा है। तो ऐसे आत्मस्वरूप का, पर स्वरूप का चिंतन करते हुए, साधक और बाधक तत्व का चिंतन करते हुए, क्योंकि श्रीमद् भागवत रूपी आध्यात्म दीप के प्रकाश में हमने इसी का दर्शन किया है, इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, आप सब के हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को।